हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रफ के चैनल पे। और आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं इतने टाइम के बाद व्लॉग क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने किया नहीं था। और आज है स्पेशल डे क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला हूँ, कैसे मैं शूट करने वाला हूँ, मेरा दिन कैसे बीतने वाला है। सो मैं जस्ट उठा हूँ एंड मैं तैयार हूँ शूट पे जाने के लिए। अब बर्थडे है तो यार स्पेशल दिखना बहुत जरूरी है। एंड गाइज, आप लोगों को तो पता है विंटर्स जैसे ही आते हैं हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है। हम बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं लेकिन वो सिर्फ मॉइस्चराइज करते हैं, ग्लो नहीं देते। मैं हमेशा से सोचता था कि काश कोई ऐसा मॉइस्चराइजर हो जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करे, ग्लो भी दे और नॉन स्टिकी भी रहे, लेकिन ऐसा मुझे कभी कुछ मिला ही नहीं। लेकिन गाइस फाइनली मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में पता लग चुका है। तो फिर हम क्यों अपनी स्किन को जस्ट मॉइस्चराइज करें जब एक ही प्रोडक्ट से हम मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं और ग्लोइंग भी बना सकते हैं। गाइस, वो प्रोडक्ट है ये मामाअर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। इसमें है विटामिन सी जो आपकी स्किन को रखता है एकदम ग्लोइंग और अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ये देता है आपको एकदम परफेक्ट विंटर ग्लो विदाउट एनी टेंशन और रखता है आपकी स्किन को नॉन स्टिकी। सो फालतू के मॉइस्चराइजर छोड़ो, इसको यूज करो। गाइज, अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन थोड़ी सी डल है, ड्राई है क्योंकि विंटर्स है। गाइज, ये प्रॉब्लम रेगुलरली होती है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं विटामिन सी मॉइस्चराइजर रेगुलर यूज करूँ। एंड बीइंग एन एक्टर हमारे लिए आसान नहीं होता क्योंकि हम लोग मेकअप भी वेयर करते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, तो स्किन का खास ध्यान देना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी स्किन का उतना ही खास ध्यान दें। तो अभी मैं अप्लाई करने वाला हूँ ये मॉइस्चराइजर जो कि बहुत ही ईजी टू अप्लाई है, आप लोग देखिएगा। सो गाइज, आपको इस मॉइस्चराइजर को लेना है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अप्लाई करना है अपने पाम पे। आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये ऑलरेडी बहुत ही लाइट वेट है एंड बिल्कुल नॉन स्टिकी है, इतना चिपचिपा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में आपको इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे एंड अपने नेक पे। बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देन यू हैव टू जस्ट मसाज इट, जब तक ये प्रॉपरली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये है इस मॉइस्चराइजर की खास बात है। और एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि है मामाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस सिरप। और इसमें है 5% ऑफ नियासिनमाइड जो आपको देता है एकदम इवन स्किन टोन। एंड इसमें है टर्मरिक जो आपको देता है एकदम नेचुरल ग्लो। एंड इसमें है पावर ऑफ 50x विटामिन सी। सो इन शॉर्ट आप इसको रोज यूज कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं मॉर्निंग एंड नाइट में टू गेट योर परफेक्ट ग्लो। सो अब विंटर्स में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये दो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, लाइफ सॉर्टेड। Guys, Mamaearth is all about goodness inside and this goodness just doesn't lie in their products but also in the values that they stand for. इसीलिए उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसका नाम है Plant Goodness Initiative। इसके अंदर whenever you buy a product from Mamaearth, they will link your order on a website to a tree that they plant. And they are aiming to plant 1 million trees by 2025. And guys, आपको तो पता है Mamaearth की offline presence कितनी ज्यादा strong हो गई है, मतलब आपको ये सारे products e-commerce websites पे तो मिल ही जाएंगे जैसे कि Amazon, Flipkart, Nykaa, Mamaearth की websites and app। लेकिन इसी के साथ ये सारे प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल हैं आपके नियरेस्ट शॉप्स में, मॉल्स में। कभी भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो यू कैन इजीली स्पॉट मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स उन स्टोर्स पे। और अगर आपको वो दिखते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हर बार की तरह एक और सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। एंड गाइस, ऑल मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। एंड गाइस, मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे Amazon पे, Flipkart पे, Nykaa पे, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड ऑफिशियल ऐप पे। और भूलिएगा मत, अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप से शॉपिंग कर रहे हैं तो मेरा कोड यूज कीजिएगा जो कि है गौरव 2023, जिससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने किया था वो रिमॉरल व्लॉग्स में किया था, आप लोगों ने देखा था हमने कितनी मस्ती की थी ये रिश्ता के सेट्स पे। देन उसके बाद में हम गेम्स वेम्स खेलने गए थे। अब आज मैं कर रहा हूं अपना मेकअप और तैयार हो रहा हूं अपने बर्थडे के लिए, अपने शूट के लिए। और देखते हैं क्या मजे आने वाले हैं, कैसे पूरा दिन बीतने वाला है। और मेरे साथ है मेरे दो खास, बहुत ही खास लोग जो इस बर्थडे में मेरा साथ देने वाले हैं और बहुत ज्यादा टांग खींचने वाले हैं। सबसे पहले हैं मेरे ऑन स्क्रीन डैड जो कि हैं कमलनाथ जी, जिनका असली में नाम है सैंडी सर। आज सबको यार पता लग जाएगा इसका बर्थडे, सबको वो पता लग चुका है। ये पिछले 3-4 दिन से अनाउंस कर रहे हैं कि कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है। सब पूछते हैं क्या आने वाला है, तो वो मेरा बर्थडे आने वाला है। और जो सेकेंड है वो है ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी बड़ी बहन की तरह, पद्मा जी, जुम्मा जी। सो आप क्या कहना चाहोगे, आज एक अमेजिंग सुपरस्टार का बर्थडे है और आपको उसमें शामिल होने का मौका मिला है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? मेरा व्यू ये है कि मैं सोच रही हूँ कि भाई आज लंच पे क्या मंगवाया जाए। हाँ। और ये सुपरस्टार के सुपर पॉकेट को कैसे काटा जाए। हाँ? क्योंकि ट्रीट तो चाहिए, पार्टी तो ये करता नहीं है लड़का, पर इससे तो हम पार्टी आज निकाल के ही रहेंगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं फंस चुका हूँ और आज मैं बच के नहीं जा पाता हूँ। सो ठीक है, मेकअप करते हैं, रेडी होते हैं और तैयार शुरू करते हैं हमारा शो। ठीक है, उसको समोसे चाहिए और 10 लाख रुपए चाहिए। बस क्या हो गया? सो अभी हाफ सीन कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमारा फेस था, आपने देखा मेहंदी लग रही, सॉरी हल्दी लग रही थी, मैं बार बार मेहंदी क्यों बोल रहा हूँ। अब वापस से मैंने अपना फेस क्लीन किया है और अब हमारी बैक होगी और जो लोग हमें क्या लगा रहे थे, हल्दी जो लोग हमें हल्दी लगा रहे थे, अब उनका फेस होगा तो वो दिखाई देंगे। तो बहुत मेहनत होती है, इट्स नॉट ईजी। सो बात कर लेते हैं आज के दिन की। आज का दिन गाइस प्रीटी नॉर्मल था, एक वर्किंग संडे था, सॉरी वर्किंग बर्थडे था। एज ऑलवेज मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि बर्थडे के दिन मैं शूट करूँ, मैं अपना काम करूँ जो मैं करता हूँ, एंड बाय गॉड ग्रेस हमेशा से मुझे वो मौका मिला है कि हर बर्थडे पे मैं कुछ ना कुछ शूट कर रहा होता हूँ। सो आपको बताइए, सुबह से आप लोग मेरे साथ थे, मैं सुबह उठा, मैंने अपना पूरा रूटीन फॉलो किया, देन मैं सेट पे आया एंड पूरा दिन काम में बीत गया। एंड ये जो बहुत टायरिंग सीन्स होते हैं, आप देख सकते हैं कितनी बार मेहंदी, सॉरी कितनी बार हल्दी लगी, कितनी बार हल्दी हटाई गई फिर लगी, तो ये आसान नहीं होता है, बहुत थकान हो जाती है। सो अभी ऑलमोस्ट डे ख़त्म हो चुका है, लास्ट शॉट बाकी है, उसके लिए मैं जाने वाला हूँ। उसके बाद में हम करेंगे केक कटिंग और ख़त्म करेंगे इस ब्लॉग को, बने रहिएगा, कहीं जाना मत। सो गाइस केक की तैयारी चल रही है, आप इधर देख सकते हैं, ये देखो कितना ब्यूटीफुल केक है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। तो आप करते हैं शुरू। हैप्पी बर्थडे केतन सर, किसका फोन है ये? छोटी मैंगो। थैंक यू सर, थैंक यू। बर्थडे वाला लगा दिए, तू केक खा तो ले। हैप्पी बर्थडे। खा लिया, खा लिया। ओए 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 ओए, झूठा दे, मुंह तो मलता। दस नाक के अंदर लगाया, दादी खाई कि नहीं? मैंने वो लगा दिया उसको। हां अभी दादा हमें, ए भाई आ रहे हो केक खाने? केक खाओ। अरे दादी अच्छा एक मिनट, बर्थडे बम से दे सकते हैं? काटो कोई। यस बर्थडे बम। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। और ये कल वापस से चाटे खाने वाले।
Yes, exactly. चलो 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 बैक अप।